पूछता है उसे क्या चाहिए, सो यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे का ये भी रहता है कि सर पटना में कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, सभी हिंदी में ही पढ़ाता है। हिंदी बिल्कुल। और सीबीएसई बच्चे को दिक्कत होता है तो हम उन सभी बच्चे को बोलते हैं जो सीबीएसई वाले हैं, श्रीवास्तव कैंपस में बाइलिंगुअल होता है पढ़ाई, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलेंगे, बाइलिंगुअल टेस्ट होता है और रिजल्ट के लिए कुछ कहना नहीं है, एक बार श्रीवास्तव कैंपस आए रिजल्ट लेकर। बेटा कर लो एसएससी की तैयारी, किसी भी कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हो। मोटा मोटी ये जानिए ना, एसएससी सबका हेड है, एसएससी सबसे ऊपर है, सभी नौकरी इससे नीचे ही है, रेलवे बिहार पुलिस बिहार दरोगा बिहार एसएससी दिल्ली पुलिस, मतलब सबका अगर कहा जाए ना सबसे सुपर अगर है तो एसएससी है। और रही बात की सर ऑनलाइन से बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, सर लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, मेरे पास जितने भी बच्चे हैं किसी न किसी का वो सब्सक्रिप्शन ले रखा है लेकिन बोलता है सर डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, तो यहाँ तो बोर्ड पर से आप लिख नहीं पाते हैं तो पढ़ेंगे कैसे। पे रहेगा तो आप खजूर पे अटक जाइएगा, जब निगाहें ग्रुप डी पे रहेगा सिपाही पे रहेगा तो फिर तो गरीबी में जन्म लिया गरीबी में मर गया, एक कहावत रह जाएगा बाप भी गरीब हम भी गरीब, गरीबी में जन्म लिया गरीबी में मर गया, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफी है। गरीबी में जन्म लेना बढ़िया है लेकिन गरीबी में गरीब बनकर मर जाना बहुत बड़ा नाइंसाफी। नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज मैनेजमेंट। देखिए एजुकेशन जो हर की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बगैर एजुकेशन का आप कुछ नहीं करते। जो अब सिस्टम हो गया, पहले लोग स्कूल कोचिंग जहां भी जाके संस्था पे जाके पढ़ते थे, अब ऑनलाइन का एक नया ट्रेड हो गया है, नया चलन चला है। ये कोविड का कहीं ना कहीं इसमें भी बड़ा अहम रोल है इसके वजह से। लेकिन अभी हम मौजूद पहुंच चुके हैं एस के श्रीवास्तव सर, जो एस एस सी के माने जाने माने, बहुत ही मतलब जो पढ़ाई होता है एस एस सी का कैसे करना चाहिए, क्या कमियां स्टूडेंट में है और कैसे तैयारी करें, वो रेलवे हो बैंकिंग हो बहुत तरह की तैयारी हो, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। एसके श्रीवास्तव सर मेरे साथ मौजूद हैं। पढ़ाई का अभी आप देख रहे हैं कोई ना कोई ट्रेंड चेंज हुआ है, आपको लग रहा है सब पहले में और अब में, आप काफी वक्त से इस लाइन में है कोचिंग में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम है। और आप श्रीवास्तव कैंपस से मैं लाइव हूँ आपके साथ, और इनका क्वेश्चन है कि सर कोरोना के बाद जो ऑफलाइन की जो स्थिति है वो क्या है। हम आपको बता दें, देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल ऑनलाइन है कि मन नहीं लग रहा है तो चलो ऑनलाइन देख लो, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको ऑफलाइन में ही आना पड़ेगा। और ऑफलाइन एक ऐसा साध्यन है जो आपको रिजल्ट देगा और यहाँ पे डायरेक्ट टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्ट होते हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट को क्या चाहिए, जब तक वो गुरु से मिलेगा नहीं तो फिर शिक्षा कहाँ से पाएगा। इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन में अगर बेहतरीन देखा जाए तो आपको ऑफलाइन ही है। और रही बात की सर ऑनलाइन से बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, सर लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, मेरे पास जितने भी बच्चे हैं किसी न किसी का वो सब्सक्रिप्शन ले रखा है लेकिन बोलता है सर डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, तो यहाँ तो बोर्ड पर से आप लिख नहीं पाते हैं तो पढ़ेंगे कैसे। डाउनलोड आपका यही सीधा कहना है कि ऑनलाइन ना पढ़ के ऑफलाइन ही क्लास करें, उससे ही बेहतर रिजल्ट आएगा। देखिए स्टूडेंट स्वतंत्र है जिसको जहां पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन ऑफलाइन ही रिजल्ट का साधन। अगर मन लगाना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, मन लगेगा। और क्या होता है यूट्यूब चैनल पे वो आपको भी पता है सर। एसएससी का कैसे तैयारी, एसएससी का आपका मेन एसएससी पे फोकस यहाँ भी है और भी आपका संस्था है। देखिए हम एसएससी की फोकस इसलिए करते हैं ना कि एसएससी की कैलेंडर फिक्स है, कब उसका एग्जाम होगा ये फिक्स है। यहाँ पे आपको एसएससी का पूरा कैलेंडर लगा हुआ है, एसएससी का रिजल्ट लगा हुआ है और पूरे पटना में स्पेशली एसएससी कोई नहीं है। यहाँ पे सर पेंडुलम वाली हाल है, अगर सिपाही की बहाली है तो सिपाही का कोचिंग हो गया, दरोगा का है दरोगा का हो गया, बिहार एसएससी आया बिहार एसएससी हो गया। और मतलब एक रिप्यूटेड कोचिंग होता है ना कि जैसे चलो भैया हमको एसएससी करना है बैंकिंग करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आता है कि चलो श्रीवास्तव कैंपस में एसएससी बैंक चलता है, तैयारी मिलेगी। जी जी, अगर आप एसएससी कर लेते हैं ना तो रेलवे बिहार एसएससी बिहार दरोगा बिहार पुलिस सब इसी में इंक्लूड होता है। और सबसे लंबा सिलेबस अगर कहा जाए तो आपका एसएससी है। कितने साल का? एक साल, वन ईयर।
वन ईयर मतलब कहने का 365 दिन में हम स्टूडेंट को सलाह देते हैं 300 दिन अगर 12 घंटा आपने पढ़ लिया तो रिजल्ट आपका पक्का है। 300 दिन मत 300 दिन। अभी तक कितना आपके स्टूडेंट ने एसएससी करके तैयारी करके जो आपके यहाँ से निकले हों? देखिए यहाँ तो मैंने जो रिजल्ट की बात करें तो हम काउंट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप जितना भी देख रहे हैं किया हुआ है रिजल्ट। अभी आपको दो चार दिन पहले रिजल्ट आया एसएससी जीडी का, मेरा बच्चा ऐसा है जो 80 में 80 क्वेश्चन बनाया है, 80 में 80 क्वेश्चन बना रखा है एसएससी जीडी में। पिछली बार 300 प्लस रिजल्ट दिया था एसएससी जीडी में और आपकी हम आपको कहें कि मिनिमम रिजल्ट हम देंगे, जो बच्चा बैठ जाएगा सबका रिजल्ट हो जाएगा 100% क्योंकि एसएससी क्या पूछता है उसे क्या चाहिए सो यहां से देखने को आपको मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे का ये भी रहता है कि सर पटना में कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, सभी हिंदी में ही पढ़ाता है। बिल्कुल। और सीबीएसई बच्चे को दिक्कत होता है तो हम उन सभी बच्चे को बोलते हैं जो सीबीएसई वाले हैं, श्रीवास्तव कैंपस में बाइलिंगुअल होता है पढ़ाई, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलेंगे, बाइलिंगुअल टेस्ट होता है और रिजल्ट के लिए कुछ कहना नहीं है, एक बार श्रीवास्तव कैंपस आए रिजल्ट लेकर जाएंगे। कहाँ कहाँ आपका सेंटर है सर? अभी सेंटर मेरा रामपुर रोड बाजार समिति में है, एक सेंटर मेरा नया टोला में है। तो सिर्फ फोकस एसएससी पर ही आपको सेंटर? हाँ बस बस एसएससी, एसएससी मतलब सब चीज एसएससी की तैयारी करते हैं तो रेलवे में दम नहीं है कि आपका नहीं होगा, बिल्कुल बैंक ऑलरेडी हो जाएगा और जो सिपाही दर होगा बिहार एसएससी का है तो 54-58 में खींचा जाएगा आपका। सबसे टफ सिलेबस, सबसे लंबा सिलेबस आपका एसएससी का है। आप बच्चों लोग को खासकर क्या सलाह देना चाहेंगे कैसे तैयारी करें एसएससी का, और अगर आपके पास आना चाहे तो कैसे आपसे कंसल्ट करें? ये बॉस होता है कि आज गुम हो चुके हैं कहीं ना कहीं, जो ऑनलाइन का आप बताया ऑनलाइन के चक्कर में चाहते हैं कि घर पे ऑनलाइन, आप सही बताया कि ऑनलाइन कहने का मजा लेने का चीज हो गया एक तरह। ऑनलाइन तो मजा ही है जी। और हम आपको बता दें जितने पहले यूट्यूबर थे वो सभी मास्टर बन गए, यूट्यूबर ही मास्टर बने। तो यूट्यूब पे खाली एक बोल रहा है क्लास कर रहा है ये कर रहे हैं, मैंने कोरोना के पहले यूट्यूब चलाते थे वो जी। कुछ बोल देना, ये बोल देना, वो बोल देना, फॉलोअर मिल गया, सब्सक्राइबर मिल गया और जैसे कोरोना आया तो उनके लिए वरदान साबित हो गया। वो क्या कहे कि चलो भैया कुछ भी पढ़ा देंगे तो कुछ तो चलेगा, अब कुछ क्या चलेगा, बहुत कुछ चल गया। दाल रोटी का सिस्टम सेट हो गया, सेट हो गया, दाल रोटी नहीं मकान का भी सिस्टम सेट हो गया, कार गाड़ी का भी सिस्टम सेट हो गया। लेकिन जितने भी नॉलेजेबल टीचर थे वो सोचे भैया ऑनलाइन तो चलेगा, जो रियलिटी है दिल की बात बताते हैं ऑनलाइन कहीं से सक्सेस नहीं। ऑनलाइन ऑनलाइन हम भी पढ़ाते हैं आपको जी जी, मेरा भी बच्चा खरीदे हुए है जहां तहां का खरीदे हुए, लेकिन जो एफर्ट हम ऑफलाइन में देते हैं ना वो ऑनलाइन में कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, जो सामने सामने आप पढ़ लेंगे, जो सामने में आप पूछ लेंगे कोई चीज, वो ऑनलाइन में कैसे बात कर पाएंगे? वही बात है। और ऑनलाइन ऑफलाइन में काफी डिफरेंस है, और ऑफलाइन में क्या है ना कि 4 बजे आपकी क्लास है तो 4 बजे आप आएंगे, आना ही आना, और 4 बजे हम लाइव पढ़ा रहे हैं, कोई स्टूडेंट अगर खरीदे वो सोचेगा चलो ना बाद में डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, तो ये भी आपका डिस्टर्ब पार्टी है। और जो आपके चैनल से हमें देख रहे हैं ना, हम उन्हें सलाह देते हैं कि पटना से तो स्टूडेंट भूल भी गया कि बैंक भी कुछ होता है, बैंकिंग की तैयारी से ही। आप एक बड़ा बात आपने बताया, बैंकिंग तो नजर ही नहीं आया, बैंकिंग की भी कोई तैयारी करे या पढ़ाई हो रहा है कहीं? बिहार पटना जो जगह बन गया सिपाही दरोगा का बन गया और रेलवे छाप, रेलवे छाप, बैंक तो भूल ही गया बच्चा कि बैंक भी कुछ होता है, जबकि बैंक में मास स्किल भी वैकेंसी, अभी ग्रामीण बैंक का बैंक पीओ का आया जी जी जी, 1000 प्लस वैकेंसी पीओ का दिया है, प्रोविजनरी ऑफिसर मैनेजर की। लेकिन स्टूडेंट तो एक कहावत है सर कि कोयला दहल जाए सोना दहल जाए कोयला पे छापा, सो ही हाल है। अच्छी अच्छी नौकरी आपके सामने से निकल रहा है और आप भी उस व्यक्ति से मोहब्बत करते हैं जिसको कभी देखा नहीं। सही बात आप बोला, देखिए सही बात सर बता रहे हैं कि बैंकिंग कहीं ना कहीं विलुप्त पढ़ाई का मामला में नजर नहीं आ, पहले बैंकिंग का लोग तैयारी करते थे, बैंकिंग में काफी वैकेंसी है, काफी उसमें आते रहता, लेकिन सर बता रहे बैंकिंग को लोग भूल गए हैं, क्या इसका क्या रीजन है सर? अब देखिए लड़का जो हम कहें सर ये जो मोबाइल और यूट्यूब है ना ये काफी डिस्टर्ब पार्टी के लिए, लड़का यूट्यूब पे देखा भाई चलो उस संस्थान से तो इतना बन गया, फलना नौकरी मिल गया, उसको क्या पता, वो तो इनोसेंट है उसे कुछ पता नहीं है, और वहां से देखकर माइंड मेकअप करके आया नहीं हमको वहीं एडमिशन लेना है, वहां से आया एडमिशन लिया, जबकि वो बच्चा बैंक निकाल सकता है एसएससी निकाल सकता है, लेकिन वो ग्रुप डी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, अपने टैलेंट को वो नहीं समझ पा रहा, नहीं समझ पा रहा, इसके पीछे रीजन है कि। और एक सर हम आपके चैनल से ये भी बता देना कि कितना आप झूठ बोलते हैं, कितना आप झूठ बोलते हैं, जितना झूठ बोलेंगे उतना दुकान चलेगा। इवन लोग बोलता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम बोलते हैं भैया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पहले था
अब है कि कितना झूठ बोले यूट्यूब पे, जितना झूठ बोले उतना कामयाब उतना कामयाब होगा, गाड़ी होगा, बारी होगा, नौकर होगा, चाकर होगा, सही पे रहेगा तो दाल रोटी भी खत्म हो जाएगा। लोग रिजल्ट जो बताते हैं कि मेरे 100% रिजल्ट आया, 1200 में 1200 आ गया, ये ऐसा होता है पूरा? अच्छा अच्छा, जब आप बात बोले तो हम बता दें, अभी 1275 दरोगा की बहाली का आया था रिजल्ट, जिस दो चार पांच दिन पहले, बहुत सारे यूट्यूब हम भी वीडियो मोबाइल पे देख रहे थे कि फलना कोचिंग से 500 रिजल्ट है, कहीं से 600 है, कहीं से 400 है, मैंने पटना के जितने भी टीचर है नहीं गिना दिया भैया, 2000 रिजल्ट दिया, आज सिर्फ कितना 1275 आप कितना झूठ बोल सकते हैं, ये मायने रखता है। और बाकी जो पटना में बच्चा पढ़ रहा है उसका रिजल्ट हुआ, ठीक है, अन्य जगह का बच्चा क्या पढ़ाई नहीं करता है, अन्य जगह का टीचर घास करता है क्या? अरे भाई जितना उतना ही बोलो, जितना चल सकता है, ठीक है ना। हम ये नहीं बोलते आपके पास रिजल्ट होता है, बिल्कुल बच्चा को भी पता है, होता होगा तो आपके पास बच्चा जाएगा, लेकिन इस तरह से गुमराह मत कीजिए कि बच्चा अगर एसएससी की तैयारी करने आता है, रेलवे की तैयारी करे, बैंक की तैयारी करने आता है, आपको अगर गलत जगह ढकेल देते हैं तो ये नाइंसाफी उन बच्चे के लिए है, एकदम 100% नाइंसाफी। इसमें गार्जियन का कितना गलत मतलब सोच, क्या उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा गार्जियन के बारे में भी आप बता दे ताकि वो सतर्क हो जाए। हाँ बता दे, देखिए जो बच्चे गार्जियन जो गाँव से आते हैं ना, ग्रामीण एरिया से, बिल्कुल उनको ये पता नहीं है कि हमें क्या करना है, वो सोचता है भैया कोई भी नौकरी मिल जाए मेरा दाल रोटी चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो बच्चा टैलेंटेड है, जो पटना में जो गार्जियन अपने बच्चे को भेज रहे हैं उसका मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट में अच्छा मार्क्स होगा तभी गार्जियन पटना भेज रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो जो गार्जियन हमें देख रहे हैं ना, हम उनको सलाह देते हैं कि अगर आपका बच्चा पटना में रहता है तो पटना में आकर भी देखिए कि आपका बच्चा करता क्या और किस लायक है, वो कहाँ है, ये भी देखना चाहिए। हाँ, अगर बच्चा आपका पढ़ने वाला है ना तो अच्छी नौकरी की तैयारी कराइए, ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए पटना में मत रहिए, क्योंकि 5000 रुपए आप दे रहे हैं पर मंथ, बिल्कुल। और ग्रुप डी की तैयारी तो गांव में भी कर लेंगे, सिपाहियन की तैयारी तो गांव में भी कर लेंगे, अगर पटना आते हैं तो कस्टम इंस्पेक्टर बनिए, इनकम टैक्स ऑफिसर बनाइए, बैंक पीओ बनाइए, अगर इन सभी चीज के अगर आप काम करते हैं ना तो आने वाला दिन जो होगा आपके बाद का जो जनरेशन होगा वो लाजवाब होगा। लास्ट सवाल सर, क्या आप स्टूडेंट को सलाह देना चाहेंगे इस अंधेरा जो है यूट्यूब का और जो ऑनलाइन का, उससे कैसे निकले और जो उसका फ्यूचर जो मांग रहा है वो ना करके वो किसी और की ओर जो जा रहे हैं उससे कैसे बचे? आपको सर हम बता दें, पटना से अगर बैंक की बात कहा जाए तो बैंक नगण्य हो चुका है, न के बराबर है, इसके पीछे रीजन ऑनलाइन है, और ऑनलाइन भी आपके जो पटना से तो ऑनलाइन में उतना कोई नेम फेम वाले टीचर नहीं है जो चाहिए बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए नहीं है, लेकिन अन्य जगह का भी नहीं है। लेकिन क्या बोला कि जो यूट्यूब पे जो झूठ बोलता है ना वही चल रहा है, तो बिहार के जितने भी बच्चे हैं या अन्य जगह के बच्चे हमें देख रहे हैं, हम उन्हें सलाह देते हैं बेटा कर लो एसएससी की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिशन को आप क्रैक कर सकते हो। मोटा मोटी ये जानिए ना, एसएससी सबका हेड है, एसएससी सबसे ऊपर है, सभी नौकरी से नीचे ही है, रेलवे बिहार, पुलिस बिहार, दरोगा बिहार, एसएससी, दिल्ली पुलिस, मतलब सबका अगर कहा जाए ना सबसे सुपर अगर है तो एसएससी है, एसएससी। आप एसएससी की पूरी तैयारी यहाँ पे दे रहे हैं एकदम? सर हम एसएससी के लिए ही जाने जाते हैं पूरा, अगर पूरे बच्चे जितने भी है पटना में एसएससी गुरु के नाम से ही जानते हैं, इसके सिर्फ श्रीवास्तव जी जी, तो हम तो उन सभी बच्चे को कहेंगे एसएससी की तैयारी करो, एसएससी कुछ भी नहीं देगा ना तो बहुत कुछ देकर जाएगा। मोटा मोटी हम आपको बता दें कि अगर निगाह तार पे रहेगा तो आप खजूर पे अटक जाइएगा, जब निगाहें ग्रुप डी पे रहेगा, सिपाही पे रहेगा ऊपर, तो फिर तो गरीबी में जन्म लिया गरीबी में मर गया, ये कहावत रह जाएगा, बाप भी गरीब हम भी गरीब, गरीबी में जन्म लिया गरीबी में मर गया, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफी है। गरीबी में जन्म लेना बढ़िया है लेकिन गरीबी में गरीब बनकर मर जाना बहुत बड़ा नाइंसाफी है आपके साथ। देखिए बड़ा ही मतलब कम वक्त में और अच्छा जो जानकारी कहा जा सकता है वो इन्होंने दिया, जो है एसके श्रीवास्तव किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जो एसएससी की पूरी तैयारी उन्होंने एक शब्द में कह दिया, एसएससी के मतलब पूरा फ्यूचर, आप जिस ओर जाना चाहें एसएससी की तैयारी करें, और सबसे पहली बात कि एसके श्रीवास्तव एसएससी ही की वजह से पूरी तरीके से लोग जानते हैं और पूरी तरीके से पहचानते हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं स्टूडेंट को अंधेरे में ले जा रही है, इससे बचने की जरूरत है, और ये बात भी सही है, आप जब तक एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, बातों को नहीं समझेंगे, आप पढ़ाई कैसे करेंगे। यूट्यूब पर तो सही बात है कि मजाक भी हो जाता है, हर तरह की बातें हो जाती है, बे टाइम टेबल पढ़ाई होता है, पढ़ाई करने के लिए वक्त पर जाना
वहां पे जहां पढ़ाई होती है सर के सामने रहना, सर से कुछ कम बेसी वो पूछना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि हर बात को आप लोग जरूर फॉलो करें। और एक बार अगर आपको कभी भी तैयारी करने की किसी भी चीज की जरूरत है तो आप क्लास करें ना करें, लेकिन परामर्श जो सलाह होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी चीज का सलाह हो लेना। वो सलाह लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए आप एसके श्रीवास्तव सर से जरूर मिले। एसएससी, उन्होंने एक ही शब्द में कह दिया, एसएससी का मतलब पूरी तरीका से एक तरह से फ्यूचर इसी में है। इस तरह के तमाम ताजे खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।